हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी चैनल्स में एड वैल्यू टू लाइव्स और मुकेश कुमार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं मुकेश कुमार जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं और ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सेल्स में, ऑनलाइन बिजनेस में एक काफ़ी समय से व्यस्त हैं, बिजी हैं और ग्रो कर रहे हैं। और मेरी और मुकेश जी की जान पहचान या मित्रता जो है वो पिछले 2 साल से है, और मैं पर्सनली स्ट्रगल एक कर रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और इन मुकेश जी से मुलाकात हुई मेरी, और इन्होंने मुझे तब से लेके अब तक एक एक कोच की तरह, एक गुरु की तरह मुझे गाइड किया है, हमेशा करते हैं। मुझे कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी हो, मुझे गाइड करते हैं, मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं सबसे पहले मुकेश जी और उनकी जो उपलब्धियां हैं, या उनकी जो एक एक जो पर्सनालिटी है, उनकी जो एक व्यक्तित्व है, वो मैं दुनिया के सामने रखूं मेरे चैनल और उनके चैनल के माध्यम से, ताकि जो नए बंदे हैं, नए जो एस्पिरेंट हैं, नए जिनको कुछ करना है, अलग से करना है, तो उनको कुछ एक इंस्पिरेशन मिले, उनको कुछ एक मोटिवेशन मिले। तो आइए हम स्वागत करते हैं मुकेश जी का। मुकेश जी, आपका स्वागत है अपने चैनल्स में, और बहुत खुशी हो रही है मुझे पर्सनली कि मैं आपका जो इंटरव्यू है या जो वार्तालाप हम कर रहे हैं वो मैं कर पा रहा हूँ, और मैं ये चीज लेके जा रहा हूँ दुनिया के सामने। और आपकी भी यही कहीं ना कहीं इच्छा है कि भाई आप और मैं भी हम लोगों की हेल्प करें, ताकि वो जो है अपने आप को आजमाए, अपने आप को एक एक्सपोजर दें और आगे बढ़ें। सो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, मुकेश जी आपका स्वागत है, वेलकम। हेलो रितुल जी, थैंक हाय। यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। अरे और सर, वैसे भी मुझे आपके साथ ये फर्स्ट टाइम हम ये है ना पॉडकास्ट कह लो ये हम करने कर रहे हैं, तो मुझे आपके साथ ये करके बहुत खुशी हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी लोगों को भी ये हमारे ऑडियंस को ये बहुत पसंद आएगा। तो थैंक यू आप सर। आपके क्या क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? सबसे पहले थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दें सबको, ताकि जनता ये जाने के भाई आपके बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ क्या करते हो, कहाँ से कहानी क्या शुरू हुई करके। सो आप मुकेश जी, आप इंट्रोडक्शन दें थोड़ा सा। हाँ जी, जैसे मेरा नाम तो आपको जैसे पता ही है, मुकेश कुमार है। और मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, इतना मैं थोड़ा सा लीक से हटकर चलना चाहता हूँ कि जैसे ज्यादातर लोगों को है कि एक तरह की लाइफ, एक जॉब करते हैं शुरू में और तो सारी जिंदगी वही जॉब चलती है। तो मेरी सोच थोड़ी अलग थी कि एक तो डिफरेंट तरह की लाइफ में हो, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हो, डिफरेंट कंट्रीज। जैसे मैं काफी जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी रहता हूँ, इंडिया में भी, और काफी मेरा ट्रेवलिंग का भी मुझे काफी इंटरेस्ट है। तो मैं कुछ ऐसा ऐसा काम ढूंढ रहा था, ऐसा मुझे सोच थी कि ऐसा काम होना चाहिए कि जिसको आप हमेशा कहीं भी से भी कर सके। ऐसा नहीं कि आप बाउंड नहीं है कि किसी एक ऑफिस से या किसी एक सिटी से या एक देश से भी। तो मेरा यही सोच है कि आप इंटरनेशनल लाइफस्टाइल होना चाहिए। और ऐसा काम तभी से हो सकता है कि जब हम कुछ ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कुछ काम करें। तो रेगुलर जॉब मैंने की थी, लेकिन वो मुझे लगा कि ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है कि मुझे रेगुलर जॉब करके उतनी ज्यादा खुशी, क्योंकि उसमें ये कि एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, और दूसरा ये है कि आपको रोज सेम टाइम में आप जाते हो और ये रास्ते में कम्यूटिंग करनी पड़ती है, ट्रैफिक वगैरह होता है। एक रूटीन लाइफ होती है। दूसरा ये होता है कि उसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी करने की बहुत कम सहूलियत होती है, और आपको आपका जो बॉस होता है वो आपसे बिल्कुल पूछता है कि अगर आपने कुछ नए ढंग से जब अलग ढंग से कोई चीज की तो वो उसको वो पसंद नहीं आएगा। तो ये जॉब में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कुछ अपना हो जो बिल्कुल ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन बिजनेस जैसे मैं कर भी रहा हूँ, और तो उसका यही है कि इसमें आपको टोटल फ्रीडम मिलती है हर तरह की। तो बिल्कुल जी, ये आपको कुछ क्लैरिटी मिली जो मेरी बात से कुछ ही है, और आपका कुछ और क्वेश्चन है अभी मन में? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑल
ऑल गुड कि भाई आपने ये पहले आपने जॉब की और फिर जॉब में कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला होगा, या कहीं फ्रस्ट्रेशंस हुई होंगी, या कहीं इंटरेक्शंस में प्रोग्रेसिव नहीं हुआ होगा, इसके लिए आपने चेंज करने का या ये चीज आपने ये आपको प्रेरित करी. फाइन, अब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग या ऑनलाइन बिजनेस करते हो, इसके बारे में हम सबको बताइए कि भाई क्या करते हो आप. देखिए, ऑनलाइन बिजनेस बहुत तरह की कई तरह से हो सकते हैं, क्योंकि कई लोग करते हैं, हमने सुना होगा फ्रीलांसिंग, ओ डेस्क या ऐसे ई लॉन्चिंग वगैरह, इस तरह के बहुत सारी साइट है जहाँ पर फ्रीलांसिंग करते हैं, लेकिन वो मैं वो नहीं करता. और से कुछ ऑप्शन है कि अफिलिएट मार्केटिंग कई लोग करते हैं, तो वो भी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है. और अभी एक होती है सीपीए मार्केटिंग, और इस तरह के ऑनलाइन कई तरह के बिजनेस हो सकते हैं. तो मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली कौन सा मॉडल आप चूज करते हैं. और जैसे आजकल सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा एक पावरफुल चीज है, ये जो ये पूरा हमारे समाज को, ये पूरा इंडस्ट्री को, ये नया रूप दे रहा है हमारी लाइफस्टाइल को. तो मेरा मेरा मॉडल जैसे ये है, एक तो मैं अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ साथ साथ, और साथ साथ मेरा अभी ये है कि यूट्यूब के जरिए इससे बहुत सारे लोगों को अपने से कांटेक्ट करने का, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलेगा. और दूसरा इसमें कि इसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, जैसे आप मेरे साथ जुड़े हो, तो अब आपको भी ऐसे हम दोनों को एक मिलके हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, और कोई कोई नया कशट हम दुनिया को दिखा रहे हैं. तो मेरा यही है कि इसमें बहुत सारी संभावना है, इसमें हम बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, और फिर उनको एक फ्लेक्सिबल इंटरनेशनल काइंड ऑफ बिजनेस करने में मदद कर सकते हैं, कि वो सिर्फ किसी जॉब पे या किसी दूसरे लोगों पर ही डिपेंड ना हो, वो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले सके. क्या आप एग्री करते हैं मुझसे? जी, डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली. इंटरनेट की ब्यूटी ये है कि कहीं से भी किया जा सकता है, और जगह का या लोगों का या कहीं बंधन नहीं है. आप अपने आप से चीजें कर सकते हो, और एक बार आप करना काम शुरू करते हो, लोग जुड़ते जाएंगे तो, और फिर वो बात बढ़ती जाएगी. सो आई काइंड ऑफ फुली एग्री विद यू. अब जैसे भी आपने दो तीन चीजें बताई कि एक अफिलिएट मार्केटिंग आप करते हो, या एक सीपीए मार्केटिंग करते हो, और अब ये जो यूट्यूबिंग वगैरह है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम सबको बताइए कि भाई बेसिक शब्दों में कि भाई कैसे होता है, क्या होता है. एक पहली चीज जैसे अफिलिएट मार्केटिंग, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एक बेसिक चीज बताइए, फिर सीपीए के बारे में, सीपीए मार्केटिंग के बारे में, और फिर यूट्यूब के बारे में. जी मुकेश जी. तो विपुल जी, मेरे ख्याल में जैसे ये हमारा है ना, हमने फर्स्ट एपिसोड है, तो मेरे ख्याल में इसमें ऐसा रहेगा कि हम इसमें सिर्फ यही इसी बात पर फोकस करें कि वाई कि हम ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करें. चलो हाँ ठीक है, मतलब पता कर ये लेते हैं. पहले दैट्स फाइन. तो तो इस आप एपिसोड में, हाँ जी, इस एपिसोड में मेरा ये है ये राय है कि हम यही कवर करें कि जी वाई सिर्फ वाई इंटरनेट अभी हाउ या ना ये डिफरेंट कि वो कैसे काम करता है, वो वो बाद में शायद करेंगे. अगले एपिसोड में मेरे ख्याल से. हाँ जी, हाँ वो बाद में करेंगे. यस यू आर राइट. तो पहले क्यों, व्हाई, लेट्स कवर व्हाई. या सॉरी बताइए. हाँ, जैसे बिल्कुल जी, ऐसे आपको पता होगा कि ये लाइफ नॉट ओनली बिजनेस में, ये लाइफ में भी ना आपने कुछ भी करना है, तो वाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट. हाउ, क्योंकि अगर जैसे आपने सुना होगा, इफ योर वाई इज स्ट्रॉन्ग, यू कैन यू विल डू एनी हाउ. करेक्ट. मतलब कोई भी काम अगर आपको समझ आ गया कि ये करने का क्या फायदा है, अगर आपको पूरी तरह ये समझ वाई क्लियर हो गई, तो हाउ करने में तो कोई मुश्किल है ही नहीं, है ना. तो ऐसे कोई काम हम नहीं कर पाते तो उसका कारण यही है कि हमें क्लियर ही नहीं होता, हमें क्लैरिटी नहीं होती कि हम ये क्यों कर रहे हैं. ट्रू. तो हमें किसी चीज की क्लैरिटी हो हमारी कि मैंने ये क्यों करना है. जब आपको 100% क्लैरिटी होगी मैंने ये काम करना है, तो कैसे की बहुत कम प्रॉब्लम है. तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि समझना
वाय कि कोई भी चीज हमने क्यों करनी है और फिर वो हम समझ आ गए तो फिर हमने गोल सेट करके वो अचीव कर लेनी है। तो एनीवे जैसे मैंने कहा कि इस एपिसोड में हम यही कवर कर रहे हैं कि वाई ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग। तो उसमें जैसे मैं थोड़ा सा ये बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइफ में फ्रीडम फ्रीडम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि और फ्रीडम जो है वो हमारा देश तो जैसे इंडिया तो आजाद है लेकिन आपको पता ही है कि लोगों को लोग कितने फ्रस्ट्रेट हैं। मतलब इसका मतलब उनकी उनकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, वो उनकी लाइफ उनके अपने हाथ में नहीं है। लोग आपको आप देखते हो कि ना चाहते हुए भी जैसे मंडे को सुबह सुबह उठते हैं अलार्म लगा के तो उनकी शक्ल देखने वाली होती है तो उनका मूड होता नहीं जॉब पे जाने पर, लेकिन क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने हैं बच्चे पालने हैं तो किसी तरह से भी जॉब करने वो जाते हैं। तो मतलब वो मोस्ट ऑफ द पीपल अभी वो अपनी लाइफ में फ्री नहीं है क्योंकि फ्रीडम जो वही है हम देश हमारा आज़ाद है लेकिन हम अभी भी आजाद नहीं है। सो ये फ्रीडम जो है ना ये बहुत बड़ा एक कंसेप्ट है लाइफ में। तो एनीवे तो मेरा मैं कह रहा था फ्रीडम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि जो फ्रीडम या इंडिपेंडेंस या अपने बॉस खुद बनना ये हम इसी से ही ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ये हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये है फ्रीडम पर्सनल फ्रीडम और दूसरा ये है कि इसमें फ्रीडम ऑफ टाइम है, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने 9 से 5 या जो भी सेट टाइमिंग है उसमें जाना है। और दूसरा इसमें आपको मोबिलिटी मिलती है, आपको रोज ट्रैफिक में अपनी गाड़ी में या अपने बाइक पे अपने जॉब पे नहीं जाना पड़ता कि रास्ते में धक्के खा के रास्ते में चलान वगैरह भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो लेकिन अगर ऐसा हो कि हम ऐसा पोर्टेबल बिजनेस या ऐसा बिजनेस हो कि जो मोबाइल हो ये जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, जैसे ये ऑनलाइन ऑनलाइन बिजनेस है तो इसमें आपको क्या चाहिए, उसमें या तो आपको मोबाइल फोन चाहिए या आपको लैपटॉप चाहिए और आप जहाँ भी आप जा चले जाएं आपका मोबाइल आपके पास हो तो आप अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई कोई जगह की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो एक दो कारण तो मैंने ये बताए। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कारण है, जैसे एक कारण ये है कि ऑनलाइन बिजनेस वो या तो उसमें आप उस फील्ड में काम कर सकते हो कि जो आपको पसंद है, जो आपकी पैशन है। यू कैन वर्क ऑन योर ओन पैशन कि आपको किसी दूसरे के हिसाब से नहीं चलना पड़ता। तो जैसे मैंने ये जैसे ये यूट्यूब चैनल बनाया है तो मुझे तो किसी ने तो नहीं कहा कि ये क्या करना है क्या है। तो मैंने अपने हाँ, जो मुझे अच्छा लगता है जो जो मेरा अपना इंटरेस्ट है जैसे मेरे आप मेरे दोस्त हो है ना तो वो भी क्यों हो तो क्योंकि वो हमें एक दूसरे से मिलना अच्छा लगता है। तो मुझे इवन ये चीज़ जो है ना कि अपने हिसाब से करना तो ये चीज़ हम ऑनलाइन बिजनेस में ही कर सकते किसी जॉब में हम ऐसा नहीं कर सकते। चलो एनीवे बिकॉज जी मेरे मेरा तो काफ़ी लंबा है ना ऐसे भाषण चल रहा है तो आप बताइए क्या मैं अब जो मैं आप बात कहना चाह रहा हूँ वो सही दिशा में मैं जा रहा हूँ, आपका क्या ख्याल है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप सर के फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी इसके लिटरल फ्लेक्सिबिलिटी भी है, टाइम की एक मोबिलिटी भी है, इंडिविजुअली मोबिलिटी है ऐसा और नेटवर्क भी बनता जैसे है। जैसे देखिए जैसे अभी मैं अपने घर की छत पे धूप सेक रहा हूँ और साथ साथ हम ये चीज भी कर रहे हैं। शायद आपको अभी ये एक प्लेन जहाज यहाँ से उठ के गया उसकी शायद आवाज आपको आई हो तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो हमें फ्रीडम इस तरह से करने की साथ साथ हम अपना धूप भी सेक रहे हो, एंजॉय भी कर रहे हो, साथ के साथ आपका काम भी हो रहा है तो यार ऐसी ड्यूटी कुछ किसी जॉब में नहीं मिल सकती। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा बीच में नहीं, तो आप प्लीज कंटिन्यू। कोई नहीं। दूसरा मुझे ये आया कि आप को कोई जगह का बंधन नहीं है, बड़ी कोई ऐसी लागत या इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। ऑल यू नीड टू डू इज एग्जीक्यूट the things what you like, जो आपको अच्छा लगता है वो आप काम करिए और करते चलिए और उसी से काम बन जाएगा, फैन फॉलोइंग बनेगी। ये मैं आपके बातों से मैं ये रीड कर रहा हूँ इस चीज को, विच इज इंस्पायरिंग, इससे एक प्रेरणा मिलती है कि भाई जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो वो आप करो और अगर कहीं समझ नहीं आ रही या कहीं डाउट है तो लोग हैं जो आपको सलाह देंगे या लोग आपको गाइड भी करेंगे
जस्ट आपको उन तक पहुंचना है, और हमारा यही उद्देश्य है इस चैनल का या इस सीरीज का या हमारी चैनल्स का कि भाई हम लोगों को बातें बताएं और लोगों को इनवाइट भी करें, लोगों को गाइड भी करें जहाँ जहाँ जितनी हमारी नॉलेज हो, क्योंकि रोज इतना चेंज होता है वर्ल्ड में कि भाई हम रोज हमने कुछ ना कुछ नॉलेज अक्वायर करनी और शेयर करना होता है। तो ये भी एक है कि डेवलपमेंट भी, पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, ऐसा मेरी फीलिंग, ऐसी मेरी सोच है। तो अच्छा, अब ये हो गए काइंड ऑफ इनटैंजिबल फायदे, टैंजिबल फायदे और बताएं सर कि भाई टैंजिबल फायदे क्या हो सकते हैं ऑनलाइन काम करने के। टैंजिबल तो देखिए सबसे वो तो पैसा तो है ही है, जैसे मैंने कहा कि अफिलिएट मार्केटिंग की के जरिए या सीपीएम मार्केटिंग के थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो, और जैसे यूट्यूब के थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो। राइट। तो और तो मतलब पैसा और दूसरे जैसे आपका किसी के कोई बिजनेस भी है, तो अगर जैसे वो यूट्यूब पे वो काम करेंगे तो उनकी या ऑनलाइन वो एडवर्टाइजिंग करेंगे या ऑनलाइन के थ्रू अपना जो एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है तो वो भी उनका ग्रो हो जाएगा। ओके ओके। तो मतलब इसके डेफिनेटली पैसे तो मनी वाइज तो पैसे है ही है, फायदा है ही है, इसीलिए हम हर कोई इसको करता है। हाँ जी ठीक है। अब आप जो प्रेक्षक लोग हैं इनको आप क्या टिप दोगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए? किनको? जो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आप क्या टिप दोगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए? हाँ, उनको तो सबसे पहले तो उनको तो जैसे मैंने कहा कि वाई, उनको तो सबसे पहले ये क्लियर करना चाहिए अपने माइंड में कि उन्होंने क्या करना है, मतलब तो लाइफ में उन्होंने क्या करना है। देखिए जो जॉब है, मैं ये नहीं कहता कि जॉब गलत है, लेकिन जॉब सारी उम्र हमेशा है ना, तो आपका अपना भी चाहिए, आप जॉब करो और साथ में साथ पार्ट टाइम आप ऐसा कुछ जरूर होना चाहिए कि जिसमें आप अपना अपनी मर्जी से और अपना एम्पायर वो अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ पार्ट टाइम साथ साथ कर रहे हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो कैसे होगी कि ये जो जैसे हमने सुना होगा कि जॉब इज ए शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, तो जो जॉब करना ये मेरे हिसाब से तो ये सारी जिंदगी कोई लोग जॉब करते हैं तो वो तो मैं तो समझ भी नहीं पाता कि वो चीज कि किसी हमेशा आप किसी से किसी बॉस को तो बॉस वैसे भी किसी को अपने पसंद तो होता है नहीं, मेरी मैंने समझा कि कोई भी ऐसा होगा कि जो अपने बॉस से उसको पसंद करता है। तो एनीवे मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको क्लैरिटी सबसे पहले अभी इस एपिसोड से आप यही देखो कि आप थोड़े सेल्फ एनालिसिस करो कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो और वो तो वो उसमें से जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन बिजनेस आज के टाइम में बहुत बड़ा एक उसमें से अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो सिर्फ इस एपिसोड के थ्रू सिर्फ यही चाहूंगा कि जो भी सुनने वाला है वो थोड़ा अपने माइंड की एनालिसिस करें और वो थोड़ी क्लैरिफाई करें कि वो क्या करना चाहते हैं। तो मतलब इस एपिसोड का मेरा यही मतलब है कि वो थोड़ी सेल्फ एनालिसिस करें। हाँ जी जी ओके। तो सेल्फ एनालिसिस में खुद की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, खुद के क्या वीकनेस है, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद को क्या अच्छा नहीं लगता है, वो एक एनालिसिस करें। दूसरा वो क्या करना चाह रहे हैं या क्या भले ही आज उनकी तैयारी ना हो, कैपेसिटी ना हो, पर वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं, वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं, उस चीज की एक क्लैरिटी करें, उस चीज को कहीं नोट डाउन कर लें। ये आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ जी हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग मान लो अभी वो कोई जॉब रोज जॉब करने होंगे, और हो सकता है वो कोई हो सकता है अपने उस फील्ड में करते हो जिनमें उनको इंटरेस्ट है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे
जो जबरदस्ती सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो मेरा डेफिनेटली है कि वो तो ये सोचे कि ये जो आप ना चाहते हुए भी जो काम कर रहे हैं, तो इससे कोई फ्यूचर बनने वाला है नहीं। जो काम जिस काम से आपको खुशी नहीं मिलती, तो वो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। तो उसके तो बहुत सारे नुकसान है। अगर हम जो चीज हमें पसंद नहीं है वो हम लॉन्ग टर्म करते ही रहे, वही करते रहे, तो अगर आपको ऐसा काम करना है जो आपको पसंद नहीं है, तो फिर आपको सेल्फ एनालिसिस करके सोचना पड़ेगा कि मेरा और क्या क्या ऑप्शन है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बढ़िया। ओके, और अगर अगर जो हमारे श्रोता हैं, जो सुनने वाले हैं, वो अगर हम तक पहुंचना चाहते हैं, तो वो इस चैनल पे पहुंचे या ईमेल लिखें, तो मुकेश जी आपका ईमेल एड्रेस क्या होगा? ये सब चीजें तो हम इसके, जैसे ये जो हम एपिसोड इसके नीचे हम जो डिस्क्रिप्शन दे उसमें हम ये डाल रहे हैं, ये ईमेल एड्रेस वगैरह, और बिल्कुल डाल देंगे। चलो ठीक है। हाँ जी, वो हमसे आपसे जैसे किसी तरह भी फेसबुक के थ्रू भी, या प्रेफरेबली अगर जैसे ये वीडियो है इसके नीचे ही कमेंट है, और मतलब हाँ जी, तो एक तरह से ये भी होगा ना कि हमारी थोड़ी कम्युनिटी भी बिल्ड होगी, जो इस तरह के हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, वो उनको एक दूसरे के क्वेश्चन का आंसर भी, क्योंकि अगर इसी वीडियो के नीचे कमेंट किया होगा तो हमारे और जो मित्र हैं वो भी वहां पर भी आंसर वो भी दे सकते हैं। यही है, आपकी जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, यही काम आ जाती है। मैं ईमेल तक चला गया और हम बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो जिस किसी को अगर कुछ भी कमेंट करना है, पूछना है, वो यही पूछ सकता है नीचे कमेंट्स में। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। अच्छा मुकेश जी, अब आगे ऑनलाइन की दुनिया में ये काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको, या अभी इसमें और काम होना है, ये मतलब क्या दिख रहा है आपको आगे? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस तो अभी ये तो शुरुआत है, और अभी भी जैसे स्पेशली इंडिया में अभी भी बहुत ही ज्यादा स्कोप है। अभी तो इंडिया में इंटरनेट, अभी आप देखोगे पिछले 3-4 साल से ही थोड़ा अच्छी तरह से सब किसी के पास मोबाइल वगैरह है, तो अभी पिछले 2-3 साल से शुरू हुआ, और अभी ये तो जब स्टार्ट है, अभी तो इसकी बहुत ज्यादा ग्रोथ होनी है। अभी तो इसका जो पीक पीरियड है वो तो अभी आने वाला है, तो इसमें तो बहुत ही बड़ी संभावना है ऑनलाइन, और अल्टीमेटली तो होगा भी ऐसा ही, जैसे अभी यूएस वगैरह में, वेस्टर्न कंट्रीज में हो भी चुका है, काफी हद तक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ऑनलाइन ही काम करते हैं, कि वो ऐसे ऑफिस वगैरह कहीं नहीं जाते, बस उनका ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि मोबाइल बिजनेस है, कि वो ऐसे ऑनलाइन या वर्चुअल ही, जैसे वो वर्चुअल क्या कहते हैं वो स्पेसेस होते हैं ना आजकल, ऐसे एक उसका नाम मुझे भूल गया, कि को वर्किंग स्पेसेस होती है ना, तो आजकल ये बहुत प्रसार चला हुआ, क्या कि आपने ऑफिस में जाना है, को वर्किंग स्पेसेस जाओ। जैसे यहाँ इंडिया में भी काफी जगह ऐसे को वर्किंग स्पेसेस खुल गई है, कि वहाँ आप जब मर्जी जाओ, तो उसकी थोड़ी बहुत फी वो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे और भी बहुत सारे आपको लोग मिलेगा, वो उनसे नेटवर्क भी करो, उनसे बातचीत भी करो, और आपको ऐसा अपने ऑफिस का खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो एनीवे, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत ही बड़ी संभावना है, स्पेशली इंडिया में, तो बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश इंडिया है, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और कहीं नहीं है, तो इंडिया पे नजर तो पूरे वर्ल्ड की है। तो इंडिया तो डेफिनेटली आने वाले 5-10 सालों में तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, तो इसका हम इसमें अगर लीडरशिप में अभी हम कुछ करेंगे, तो हम इसमें आने वाले सालों में हम एक लीडरशिप पोजीशन में होंगे, हम दूसरे लोगों को गाइड कर पाने के काबिल होंगे। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल जी। तो आपकी बात से मैं ये टेक अवे कर रहा हूँ कि एक भारतवर्ष में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, नियरली नंबर 2 और नंबर 1 के बीच में कोई ज्यादा फर्क रहा नहीं, और इंटरनेट की जो एक्सपांशन है, जो पेनिट्रेशन है,
जो विस्तार और जो गांव-गांव में इंटरनेट पहुंच रहा है, तो उस ये सारे फैक्टर के चलते ऑनलाइन बिजनेस ही पोटेंशियल है अगले 10-20 सालों के लिए। तो आई थिंक सही कह रहे हो आप कि भाई एक एक काफी अच्छा काम हो सकता है ऑनलाइन के धंधे में, ऑनलाइन बिजनेस में डेफिनेटली। और अब हम चलते हैं उस प्रश्न पे के ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है, सीपीए मार्केटिंग है या यूट्यूबिंग है, इसमें अगेन कि भाई बेसिक कैसे हो, काम क्या हो सकता है, कैसे किया जाए। देखो जी, यही चीज जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि ये जो हम फर्स्ट एपिसोड कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हम वाई ही कवर कर रहे अच्छा, हैं, वही कवर और करना है, जो हाउ वाला नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ओके ओके हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक ओके। है तो जी। आई थिंक हमने वाई एक लेवल पे तो कवर कर लिया। अगर हमने कहीं कुछ मिस आउट किया है तो आप उसमें ऐड करें वैल्यू, कुछ रोशनी डालें मुकेश जी। नहीं, रोशनी तो देखिए ये ऑडियंस पे ही डिपेंड करता है। जैसे ऑडियंस हमने तो अपने ओर से बताया है, लेकिन ऑडियंस को कहाँ तक समझ आया है, या वो उनको हमारी बात कितनी अच्छी लगी है, या उनके मन में क्या सवाल है, तो वो जब जो तो इसीलिए जब वो यहाँ पर हम कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन करेंगे, जब कुछ भी कमेंट्स करेंगे यहाँ, मतलब ये कुछ भी आप कमेंट कीजिए, चाहे अगर नेगेटिव कोई बात आपको अच्छी नहीं भी लगी, अच्छी भी नहीं लगी, तो उसके बारे में भी कमेंट करने में हमें कोई उसमें वो नहीं है, कि एटलीस्ट हम तो चाहते हैं कि कोई क्रिटिसिज्म करे, कि तभी हम सुधरेंगे ना, कोई हमारे तभी पास में हमें बताए कि ये इम्प्रूवमेंट। कमी है या ये आइडियाज दें, तो हाँ मतलब ये सब मकसद यही है कि एक दूसरे से सीखें और हमें ये ऑडियंस फीडबैक दे, तो हम उस हिसाब से जो वो जो उनके क्वेश्चन है, तो अगले एपिसोड में हम उस हिसाब से चल सकते हैं। क्यों बिल्कुल जी, चलो तो फिर मतलब ये एपिसोड हम अब कंक्लूड करने की कगार पे हैं, सही है। हाँ जी हाँ जी चलो तो जनता दन प्रेक्षक लोग, धन्यवाद कि आपने हमको सुना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ऑडियो और वीडियो को, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है लाइक करें या डिसलाइक करें, और कमेंट्स में नीचे आप अपने विचार बताएं, सवाल पूछें, जो भी सवाल पूछें, कोई इसमें कोई भी सवाल अच्छा या बुरा नहीं होता। एक्चुअली हर सवाल बुरा होता और है जब तक वो पूछा ना जाए। बिल्कुल जी, मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहूंगा कि वो कमेंट्स में अगर लिखे हैं कि ये चीज उनको पसंद नहीं आई, या ये मेरे बोलने का स्टाइल अच्छा नहीं लगा, या आपके बोलने का स्टाइल अच्छा लगा या नहीं लगा, तो मतलब वो मैं मेरा तो यही है कि वो कमेंट्स करें, चाहे वो नेगेटिव हो, जो 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 उनके मन में जो सच्ची बात आ रही है, ये हमारा ये ऑडियंस सुन के बिल्कुल उनके मन में सच्ची बात आ रही है, तो वो लिखे बस। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी जो भी विचार है आपके हृदय में, जो भी विचार है आपके मन में, वो आप लिखें, ताकि हमको इससे गाइडेंस मिलेगी कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। और ये जो हम कर रहे हैं दोनों मिलके, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमने जो सीखा है या हम जो सीख रहे हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों के मन की बात को भी सुन के हम उस तरीके से आगे एक डायरेक्शन या एक दिशा लेके चलें। तो अब ये एपिसोड हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।